हेलो जी, सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मिथिल सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज मैं चमारी खेड़ा गुरु रविदास आश्रम पर हूँ और यहाँ एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाल जा रही है। ये छुटमलपुर से पहले पड़ता है, देहरादून रोड पर, सहारनपुर, और बहुत अच्छा आश्रम है। तो गुरु रविदास महाराज जी की स्वरूप और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का स्वरूप शोभा यात्रा के रूप में आश्रम में स्थापित किया जाएगा और आपको दिखाऊंगा अभी बहुत जनसैलाब गुरु जी की शोभा यात्रा में, और मंद मंद बूंदाबांदी हो रही है, वर्षा हो रही है, उसके बीच भी लोग गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा में, उनके शोभा में नृत्य कर रहे हैं। ये डीजे साउंड बज रहा है और ये जयराम गौतम जी हैं जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप चमारी खेड़ा आश्रम में अपनी तरफ से दान किया है और गुरु महाराज जी की सेवा कर बहुत अच्छे समाजसेवी हैं। जयराम गौतम प्रधान जी सहारनपुर निवासी हैं, तो अच्छा अपना खासा रुतबा है, समाज सेवा में बड़ा नाम है। और भाई सभी लोग जो हैं बारिश में भी होश जोश होश के साथ में गुरु महाराज जी की उपमा में उनके भजन वाणियों पर नृत्य करने के साथ साथ उनकी शोभा यात्रा बढ़ा रहे। और ये वो परिवार है जिन्होंने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का स्वरूप चमारी खेड़ा आश्रम में स्थापित करवाया है, उसमें अपनी सेवा दी है। ये बाबूजी हैं ताराचंद जी, तो हम इनसे भी मिलवाएंगे, आपको भी सुनवाएंगे इनके भी विचार। बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, बड़े अच्छे समाज सेवी हैं इनका पूरा फैमिली, और प्रेम भाव दया संतों के चरणों में आकर के ही बहुत समाज सेवी लोग हैं। सभी को सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। आज हम जिला सहारनपुर देहरादून रोड चमारी खेड़ा आश्रम में हैं और यहाँ एक बढ़िया भव्य आश्रम है। महाराज श्री राजकुमार दास जी यहाँ के प्रबंधक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैनेजमेंट है। और यह जो हम अब हमारे पीछे गुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की भव्य एक प्रतिमा स्वरूप आप देख रहे हैं, तो आज इसका यहाँ जो है इसको स्थापित किया गया है शोभा यात्रा के रूप में टोल प्लाजा से लेकर के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में। तो हमारे साथ वो परिवार भी है जिन्होंने यहाँ गुरु महाराज जी के आश्रम में एक स्वरूप दे करके सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का सेवा की है, तो हम जानना चाहेंगे बाबूजी से। सर सतनाम सतगुरु महाराज की जय। सर साहिब, सर जी क्या आपके मन में भेद भाव आया कि भाई गुरु जी का यहाँ स्वरूप नहीं है, हमें लगाना चाहिए, तो क्या कुदरती या महाराज जी का कुछ आदेश था? सर्वप्रथम तो मैं गुरु को नमन करूँगा जी, उसके बाद आपके चैनल को चमार बुलेटिन हाँ जी, चमार बुलेटिन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप इतना भव्य कार्यक्रम को आप इसको कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। हमें यहाँ पर जो प्रबंधक हैं गुरु राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी जी, उन्होंने एक दिन आए और कहने लगे कि आप गुरु की सेवा तो करते ही हैं, बिल्कुल, तो आप देखिए कुछ और कुछ अगर ऊपर से आदेश हो, तो हमने कहा जो गुरु महाराज का आदेश होगा हम उनका करेंगे। तो क्या आदेश ये है कि गुरु महाराज की प्रतिमा वहाँ पे लगनी है और एक जयराम गौतम जी के द्वारा जो है रविदास जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई है, तो हमें भी आदेश हुआ, तो हमने गुरु जी को कहा जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे जी। तो ये हमें समय समय पर आना जाना रहता है या प्रोग्राम में ही आते हैं? नहीं, हम समय समय पर यहाँ पर हमारा भ्रमण होता है। अच्छा, और हमें यहाँ पे बहुत शांति मिलती है यहाँ पर आकर, और गुरु के चरणों में रहकर बहुत ही शांति का माहौल अच्छा लगता है हमें। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब जो है आज शोभा यात्रा में भी आप लोग शामिल हुए थे जब इसको लाया गया था शोभा यात्रा के रूप में गुरु जी के स्वरूप को? जब शोभा यात्रा का शुभारंभ गुरु जी ने किया तो हम ही से ही अच्छा रिबन कटवाया गया। अच्छा अच्छा, उसका जब यात्रा का शुभारंभ किया, हम ये सोच करके रिबन कटाया तो हमारा दिल बहुत बहुत बाग बाग हो गया, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं। अच्छा, तो हमें बहुत ही खुशी हुई, अपार खुशी हुई। तो जो जब वो आपके रिश्तेदार परिवारजन देखते हैं कि आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, आपका काफ़ी अच्छा यहाँ नाम है सामाजिक स्तर पे, समाज सेवा के मामले में अच्छा रिस्पांस, और बढ़िया आपको बोलते होंगे कि भाई हमारे चेयरमैन साहब इतनी सेवा भाव करते हैं, तो ये आध्यात्मिक जुड़ाव के कारण है ना, संतों की संगत करने का? गुरु के चरणों से जुड़ाव है। हमारे साथ लगभग सैकड़ों आदमी देहरादून से आए हुए हैं। अच्छा, उन्होंने भी यहाँ पे तो कैसा उनको लगा, क्या मैसेज दिया उन्होंने, क्या होगा? यहाँ पर आकर वो इतने खुश हुए कि वो ये कह रहे कि हम देहरादून में भी इसका आयोजन करवाएंगे। अच्छा, वाह जी वाह। तो देखिए ये प्रभाव है, आज सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जन्मदिन मनाया गया है,
तो बाबू जी समय समय पर हाजिरी देते रहते हैं और वैसे भी सेवा भी बड़े परमार्थी हैं पुरुषार्थ, क्योंकि इंसान को अपने जीवन में परमार्थ पुरुषार्थ दान पुण्य जरूर करना चाहिए अपनी नेक कमाई में से, यही हमारी सच्ची आस्था और कमाई होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु महाराज जी के चरणों में हम आपके लिए भी अरदास करते हैं कि सभी कुशल मंगल रहें, अंधन के खूब भंडार भरे रहें। अंतिम में हम भी आपको चमार बुलेटिन को बहुत 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 अपना एक बार परिचय और बताएं बाबू जी आप कहाँ से आते हैं। मेरा नाम ताराचंद है, मैं ONGC से सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से रिटायर हूँ जी, और मैं वहाँ पर ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन अच्छा जो हमारे समाज के हित में काम करती है उसका मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। अच्छा अच्छा बहुत बहुत। ONGC एक भारतन कंपनी है आप सबको मालूम है जी, जी। तो मैं इसी के पुनः आपको आपके बुलेटिन को चमार बुलेटिन को हार्दिक अभिनंदन बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बोलेंगे कुछ दो शब्द कहेंगे आप भी बाबू जी के साथ आते हैं तो अच्छा लगता है, जैसे हम तो इतनी सारी यहाँ महिलाएं भी आपने देखी हैं। अच्छा अच्छा और हमें शांति मिलती है, जैसे महिलाएं आपको देखती हैं बाबूजी काफी सत्कार करती हैं, मिलती भी आपके साथ फोटो खींचती हैं कि बाबूजी के घर से हैं, बहुत अच्छा। तो ढेर सारा प्यार मिलता है आपको। बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरे दो बेटे हैं वो भी बिल्कुल तन मन धन से, उन्होंने हमें ये बोला है कि जो करना है आप अपने मन से करो। अच्छा अच्छा, यानी कि आपको स्वतंत्रता है खूब, आप जी भर के। सबसे बड़ी मेरे बेटों ने ये बोला है हाँ, तो देखिए ये वो फैमिली है जिन्होंने गुरु जी का स्वरूप दिया है, तो बहुत बहुत आभार धन्यवाद सतनाम बाबू जी को जय गुरु मेहरबानी। और आप जो ये शोभा यात्रा देख रहे हैं ये गुरु रविदास महाराज जी और गुरु समनदास महाराज जी की स्वरूप, उसमें जो सजा हुआ है ऑटो पीछे उसमें रखे हुए हैं, और शोभा यात्रा के रूप में आज वो चमारी खेड़ा गुरु रविदास आश्रम पर स्थापित किए जाएंगे। तो ये देखिए अपने जयराम गौतम भाई जी का भी अपना ही जलवा है, और ये चमारी खेड़ा देहरादून रोड पर ही पड़ता है छिपमलपुर पर, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी का गाँव भी यहीं सामने ही है 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, उसके समीप ही पड़ता है देहरादून रोड पर। तो लोगों ने बहुत शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और बारिश के होने के बावजूद भी लोगों इतनी भीड़ लगी रही, लोग नृत्य करते रहे, गुरु महाराज जी के भजनों पर झूमते रहे। तो गुरु रविदास महाराज जी का सतगुरु समनदास महाराज जी कैसी कृपा है, उनकी दया है, आज जन जागृति के अंतर्गत जो है आज लोग सभी जागरूक हो रहे हैं अपने गुरुओं की।
गुरु जी की स्वरूप के दर्शन करने कई कैबिनेट मंत्री जो हैं अनिल कुमार विधायक जी और उनके साथ कई और विधायक भी, अलग अलग पार्टियों के लोग, राजनीतिक राजनेता, बहुत सारे सामाजिक सोशल वर्कर भी गुरु महाराज जी के दर्शन हेतु आए और बहुत तांता लगा रहा पूरा आवाजाही, मुख्य अतिथि वीआईपी लोगों का भी। सतगुरु सत्साहे, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज सतगुरु साहेब समनदास महाराज जी का जन्मदिन सतगुरु रविदास आश्रम चमारीखेड़ा देहरादून रोड पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सभी सतगुरु साहेब के चरणों में आए हैं। तो सभी सतगुरु साहेब के चरणों में यही अरदास करते हैं कि गुरु महाराज के चरणों में, किसी भी जो संत महात्मा आज हजारों की तादाद में आए हैं, गुरु महाराज की संगत आई है, बहुत दूर दूर से सभी लोग आए हैं, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से और आपके यूपी से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, भी बहुत दूर दूर से संगत आई है। इसलिए आए हैं कि कम से कम गुरु महाराज के चरणों में सभी लोग जो है ध्यान से सत्संग को सुना। देहरादून से भी सत्संग मंडली आई है,
तेजो सत्संग है गुरु महाराज का, ये बड़े ही उल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष होता है दिन में, और गुरु महाराज स्वामी समनदास महाराज जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है गुरु महाराज का, ये यहाँ पर कुछ हमारे मुख्य अतिथि भी।